पर लगातार हमलावर है। पहले जर्मनी, फिर लंदन में उन्होंने आरएसएस पर हमला बोला। लंदन में तो राहुल ने आरएसएस की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। आपको बता दें कि मुस्लिम ब्रदरहुड मिस्र का सबसे पुराना इस्लामिक संगठन है, जिसने पूरे दुनिया में इस्लामिक आंदोलनों को प्रभावित करने का काम किया है। मिस्र में यह संगठन अवैध करार दिया जा चुका है। एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आरएसएस दैट इज ट्राइंग टू चेंज द नेचर ऑफ इंडिया। सी, देयर इज नो अदर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया that wants to capture India's institution. What we're dealing with is a completely new idea. It's an old idea being reborn. And it's similar to the idea that exists in the Arab world with the Muslim Brotherhood. And I would compare it. And the idea is that one ideology should run through every single institution. हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान की सरकार, इन सब की आपने सुपारी ली हुई है क्या कि विदेशी भूमि में जाकर इस प्रकार हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने का जो प्रयास कर रहे हैं, किसकी सुपारी ली हुई है आपने? आर यू अ कॉन्ट्रैक्ट किलर मिस्टर राहुल गांधी ऑफ द आइडिया कॉल्ड इंडिया? आपने कहा कि यह जो सोच अभी भारतवर्ष पर सरकार चला रही है वह सोच मुस्लिम ब्रदरहुड की है। आपने आरएसएस और बीजेपी, इन दोनों के विषय में टिप्पणी करते हुए उन्हें मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ कंपेयर कर दिया। उधर जर्मनी के बर्लिन में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस देश में नफरत फैलाने और देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे ही देश को बांटने में लगे हुए हैं, हमारे ही देश में नफरत फैलाते हैं। हमारा काम लोगों को एक साथ लाने का है और देश को आगे बढ़ाने का, और यह काम हमने करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि साहब देश को बांटने का काम कर रहे हैं हम लोग। कहां जाके बोलने जा रहे हैं? जा रहे हैं उन अंग्रेजों के दर पे, जिनके आगे घुटने टेक के आपने बाकायदा प्रस्ताव पारित करके सिग्नेचर करके देश को बांटा था, और उनके आगे जाके आप ये बोल रहे हैं बांटने का काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि आपने किस किस चीज को नहीं बांटा है। आपने शिक्षा में बांटा, स्वास्थ्य में बांटा, बैंक के लोन में बांटा, सुरक्षा में बांटा, राजनीति पे बांटा, वो तो अलग ही था।